झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटा गांव के रास्ते में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग होती है, जिससे ग्रामीण जख्मी होते हैं, उनके जानवर भी जख्मी होते हैं। कई सारे ग्रामीण यहां पर देखिए बैठे हुए हैं और इन्होंने इस बार मोर्चा खोला है कि जब तक ये अवैध ब्लास्टिंग बंद नहीं होती तब तक ये लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते रहेंगे। और एक जो ग्रामीण बैठे हैं, इनका पैर देखिए, ये भी ब्लास्टिंग से ही जख्मी हुए हैं और ये मजदूरी करने नहीं जा पाते हैं। तकरीबन एक महीना इनको हो गया हो, ये मजदूरी पे नहीं गए हैं, घर ये कैसे चला पा रहे हैं ये भी हम बातचीत करेंगे। और यहाँ एक माता जी भी खड़ी हैं, या जो पूरे ग्रामीण हैं वो केवल इसी बात से परेशान हैं कि जो अवैध तरीके से रोड सड़क किनारे जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे ग्रामीण जख्मी हो रहे हैं, बच्चे जख्मी हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले आपके पास चलते हैं, क्या नाम है? मंजू, ये बताइए आपके, नहीं कोई बात नहीं, ये बताइए कि आपको ये चोट कैसी लगी? काम पे जा रहे थे, साहब ब्लास्टिंग हुई, भागे तो गड्ढे में गिर पड़े, पत्थर की लग गई थी, दो तीन दफे गए तो कोई ने भगा दिया, हड़का के भगा देते हैं, काय काय हो जाते हो, काम पे करते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे, बोलते ही नहीं है कब ब्लास्टिंग गल जाएगा, 4 बजे गल जाएगा, सवेरे गल जाएगा, शाम को गल जाएगा, कोई खड़ा ही नहीं होता है, रात में भी गाल देते हैं। तो अब कैसे अपना घर चला रहे हो? घर चला रहा है, अब क्या करे, लग आपस में ले देंगे, काम कर लेते हैं, ठीक हो जाएंगे तो दे देंगे। कितने दिन हो गए घर बैठे? 1.5 महीना होगा साहब, 1.5 महीने से बैठा हूँ मैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? दयाराम। दयाराम जी, क्या स्थिति है जो ब्लास्टिंग हो रही सड़क किनारे, उससे क्या क्या समस्याएं हो रही ग्रामीणों को? जे परेशानी हो रही है, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो समय से स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, वे आध घंटा 20 मिनट 1 घंटा इसी तरफ रोक लेते हैं तो स्कूल का टाइम निकल जाता है, तो वे इसी तरफ फिर वापस हो जाते हैं, या वहाँ तक जाते हैं तो फिर वहाँ से वापस हो जाते हैं। और जो हम औरें जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, जो पैदल यात्री जाते हैं, तो वो मतलब परेशानी ही है, मालूम नहीं है ब्लास्टिंग कितनी बार हो जाए। और सड़क के किनारे भी कर दी उनने, जो खदान है बिल्कुल सड़क के किनारे लगा दी, और भी मशीनें मतलब आती जाती हैं, रोड में भी मट्टी डाल देते हैं। कभी किसी अधिकारी कोई अगर यहाँ गाँव में आता है तो किसी से कहा नहीं? कुछ नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता? क्या मालूम सर, यहाँ से तो हम लोग मतलब गांव वाले सब महिलाएं आदमी शाम सवेरे इकट्ठे हो जाते हैं, हर बार कहते हैं लेकिन कुछ सुनाई कुछ नहीं होती है, पुलिस से भी कहते हैं तो पुलिस भी कोई सुनाई नहीं करती, कुछ नहीं होती, क्योंकि पुलिस पे चौकी पे हफ्ता हफ्ता जो भी मतलब बंधा हो पुलिस भी वहीं खड़ी रहती है, कुल मिला के हरदम 2 गार्ड खड़े रहते हैं पुलिस के, तो अब चाहे ट्रैक्टर के बारे में खड़े रहते हो चाहे कुछ के बारे में खड़े रहते हो लेकिन वे कुछ नहीं कहते हैं, ब्लास्टिंग होती रहती है वे कुछ नहीं कहते हैं। लगभग गांव में ब्लास्टिंग किसी की मौत हुई है क्या? हाँ, ब्लास्टिंग से मौत हुई, एक प्रजापत का लड़का खत्म हो गया था, उसका अभी भी पेपर रखा होगा, उसकी खदान में हो गया था खत्म, जो खदान के किनारे आया ब्लास्टिंग हो गई, वो खत्म हो गया था। और 4 3 4 खैलार के भी खत्म हो गए थे, जो हमारा गाँव लगता है खैलार में, वो 4 खत्म हो गए थे एकदम से, और एक ट्रैक्टर भी पलट गया था, वो बरेठा का लड़का है, इनने ब्लास्टिंग करी तो वह खैलार से आ रहा था युवक, एकदम से अकबक आ गया, सड़क के नीचे ट्रैक्टर चला गया, वो भी दब गया था। जब एक इधर का लड़का है तो वो भी ऐसा ही हो गया था, वो गन्ना पेरने की मशीन लिया था, ब्लास्टिंग करी सुबह नीचे चला गया था। जब जिनके घर का लोग खत्म होते हैं तो वो लोग शिकायत नहीं करते प्रशासन से? कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है साहब, अभी हम आपके साथ चले, आप बाहर खड़े रहना, मैं चौकी में जाके बात करूंगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उन लोगों का हफ्ता बंधा, उन्हीं के मुंह पे कहें, दरोगा के मुंह पे कहूंगा ये बात, बताओ महीने के कितने के लेते हो, कोई क्या करेगा, मेरी फांसी ही लगा देगा और क्या करेगा, मारेगा क्या करेगा, सच कहने में क्या है, सच है तो है। देखिए ग्रामीणों का गुस्सा साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण लगातार यहाँ पर जख्मी होकर इनकी मौत भी हो जा रही है, लेकिन प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा है। एक और ग्रामीण बैठे हैं, चाचा क्या नाम है? हमारा तो प्रसादी नाम है। क्या स्थिति है जो ब्लास्टिंग होती है उससे क्या समस्या होती है? ये हमारी जैसे भैंसियाँ गई, काव ने कह दी तो रुक गई, और नहीं कह पाई तो साली में घल जाती, एक मर गई वहीं साली उनकी, तो वो थोड़ी बहुत पैसे दे देती हैं, बस समझाते कहते लो क्या करें हम, बस कोई देती नहीं है साली का जी है, और कुछ इंसान जब किनारे से निकलती हैं, हाँ रोजीना का काम उनका,
और कहो कह दी एक आदमी जाके दी कि रुक रहा एक आदमी कह दी हाँ ले जाओ नहीं रुके कहो दे चली तो पत्थर गल जाता है। इंसान जख्मी होते तब क्या करते भी जब इंसान ये कहते हैं कि जैसे तो रोक लेते हैं कभी कभी और जैसे हम जैसे कोई आ रहा किसी को पता नहीं हम दे निकले धोखी तो पत्थर लग जाता है। एक बार हम दूध देने गए तो हम रेनी में रहनी है फूट गई थी बगर गया था हमसे नहीं गई हम चले गए धूप में निकल गए फिर बच गए थे लेकिन हम क्रेनिया को दूध में 4 लीटर 5 लीटर दूध वगैरह गया 100 रुपये दे दिया हमने बोले क्या लगे किसी से किया नहीं। देखिए हर ग्रामीण की अपनी अपनी कहानी है अपनी अपनी दास्तान है कि जब वहाँ से गुजरते हैं तो किस तरह का दहशत उनके मन में होती है किन किन हालातों से वो गुजरते हैं। एक माता जी यहाँ पर थी शायद वो चली गई हैं। माता जी ये ब्लास्टिंग होती है कोई दिक्कत होती है क्या? हाँ दिक्कत होती है। क्या समस्या होती है? ऐसी समस्या होती है कि आ रहे तो कौन मर जाए लग जाए पथरा हाँ पथरा लग जाए तो मर जाए अब क्या करें लेते मैंने को अब को पूछ रहा हो तो डरे ही छोड़ जाए फिर अपने गांव के को मानस जा बहन जैसे और बेचनार कल्ले में कटो का जमा रही डरी तो फिर उठा लिया है बस। तो देखिए महिलाओं और भी लोग हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया आप युवा हैं क्या करते हैं आप? हम तो बिलदारी करते हैं। बिलदारी करते हैं तो ये जो ब्लास्टिंग होती है उससे कोई समस्या होती है? नहीं गांव के बच्चे परेशान हैं जा रहा पढ़ने लिखे में हर चीज़ टाइम तरीके पहुंच पा रहा है सब कुछ दिक्कत है। अच्छा जो बच्चे जो जाते हैं उनको रोक लिया जाता कि नहीं रोका जाता? नहीं कभी रोक लिया जाता कभी घाल देते मैंने सोचा पथरा नहीं आएगा थोड़े अंदर है और बीच गली वाली में रोक लिया कभी नहीं रोका ऐसे कर देते हैं कभी बचे आते हैं खेला जा रहा है पिसवा भी जा रहा है बहुत क्यों दिक्कत है। तो देखिए बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते वो भी जख्मी हो रहे हैं लगातार महिलाएं दूर से हमें देख रही हैं। एक बार हम कैमरामैन से कहते हैं पीछे पीछे जरा महिलाओं से एक बार हम बात करते हैं कि चलिए खैर गांव की महिलाएं हैं शर्माती हैं एक लिहाज भी होता है गाँव में तो इस वजह से वो बात नहीं कर रही लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि ग्रामीण दहशत में है ये ब्लास्टिंग लगातार जो हो रही है इस ब्लास्टिंग से लगातार लोगों की मौत हो रही है जानवरों की मौत हो रही है लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं वो भी जख्मी हो रहे हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ आए थे तो एक महिला ने बताया कि एक बच्चा जख्मी हुआ है जो घर पर लेटा है वो भी स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है क्रेशर के जो माफिया हैं जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं उनकी जो गुंडाई है वो लगातार जारी है लेकिन गांव ग्रामीणों की सुध लेने वाला अभी कोई नहीं है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मैं सोनी टाइम समाचार झांसी।